ये है जेक्सन का पापड़ का आटा गुथने वाला मशीन, जिसके अंदर हम पापड़ का जो कड़क आटा रहता है, जैसे कि उड़द का, मूंग का, चने का, वो सब आटा गुथ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे उड़द का आटा गुथने का एक डेमो दिखा रही हूँ। इसके अंदर बहुत हेवी मशीन बनाया हुआ है, तो इसमें आप मैदा और जो चपाती के लिए आटा वगैरह होते हैं वो तो गुथ ही सकते हो, पर स्पेशल हमने पापड़ के आटे के लिए बनाया हुआ है जिसमें हेवी ड्यूटी मशीन। तो इसके अंदर मैंने उड़द का पाउडर डाल दिया है, उनके बाद जीरा डाला है, उनके बाद काली मिर्च डाली है। आप काली मिर्च या जो भी आपकी रेसिपी में हो वो सारी इंग्रेडिएंट्स में डाल सकते हो। उनके बाद मैंने मशीन को चालू कर दिया है। अभी इसके अंदर मैंने जो पानी डाला है वो पानी में मैंने पहले से ही नमक और खार मिला लिया था। आप अपनी रेसिपी के मुताबिक से उसमें कुछ भी मिला सकते हो। अभी ये आटा बहुत बढ़िया तरीके से गूंथ रहा है। इनके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है क्योंकि वो आटा गूंथते हुए बाहर की ओर ना आए, इसलिए मैंने ढक्कन लगा दिया है। और ये आटा देखिए कितना अच्छा गूंथ गया है। अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, 10 मिनट के अंदर मैंने मशीन बंद कर दिया है। अभी मैं एक यहाँ पे साइड में दिया हुआ स्टड खोल रही हूँ। वो स्टड को जैसे ही आप खोलोगे वो बाउल नीचे की ओर झुक सकता है। उनके बाद उसमें से हमको गूंथा हुआ आटा निकाल लेना है। हम थोड़ा थोड़ा करके वो आटा निकाल रहे हैं। ये आटा देखिए कितना अच्छा बन गया है। और आटा गूंथने में आप जो आपकी रेसिपी है उस मुताबिक से ही पानी वगैरह डालना है। ऐसा नहीं है कि मशीन है तो आपको ज्यादा या कम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी ये मैंने गूंथा हुआ आटा है वो एक्सट्रूडर के अंदर डाला है, जिसको हम सीटर भी बोलते हैं। साइड में देखिए जो एक्सट्रूडर दिया जाता है उसमें हम दो तरह के मुंह लगा सकते हैं। एक ऐसा है कि जिसको पाइप जैसा निकाला जाता है और दूसरा है कि जिसको पट्टा के फॉर्म में निकाला जाता है। वो दोनों आपको जैक्सन मशीन से मिल जाता है। अभी बहुत अच्छा देखिए कैसा पाइप निकल रहा है। जब बहने हाथों से बनाती है तो ये पाइप निकलता है, उसमें से वो गोला काट काट के वो बना सकती है। और गोला काटने वाला मशीन चाहिए तो वो भी मेरी कंपनी से मिल सकता है। अभी देखिए इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आया है। और ये जो फिनिशिंग है वो देखिए आप, एकदम से बहुत बढ़िया फिनिशिंग है, कहीं पे भी खरोच भी नहीं रही है। ये है अपनी जैक्सन की मशीन। अभी एक इसको हम एक पॉलीथिन के अंदर भर देते हैं। उनसे क्या है कि उसको हवा ना लगे और वो सूख ना जाए। जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ती है उस मुताबिक से उसमें से निकाल के हम गोला कटिंग करते रहेंगे। और जो लोग घर पे बहने को काम दे रहे हैं कि जैसे आटा डायरेक्ट गूंथ के देते हैं और घर पे बहने पापड़ बनाती है, तो ऐसे पॉलीथिन में आप भर के वो बहने को दे सकती है, तो उनका काम भी आसान हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी से हो जाएगा।